हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल थी दिवाली और दिवाली ख़त्म हो चुकी है और कल हमें बहुत ही अच्छा लगा, हमने बहुत ही इंजॉय किया दिवाली को। और मेरा गला थोड़ा सा भारी लग रहा होगा क्योंकि तबीयत तो पहले से भी ख़राब थी और कल कुछ ठंडा भी पी लिया होगा। तो आज वीडियो बनाने का मेरा मेन मतलब ये है कि दिवाली तो लोग मना लेते हैं, उसके बाद आफ्टर जो इफ़ेक्ट होता है, जो घर गंदा, घर मेस पूरा, खाना बच जाता है इतना सारा, वो सारा बनाने का मेरा एम था। तो अभी आप देख सकते हो किचन पीछे पूरा मेस पड़ा है, अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी। फिलहाल मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी से गले को राहत मिलेगी उससे। एंड ये देखो, मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाया था, ठीक है। और पहले मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं सब कुछ दिखाती हूँ। ऐसे तो मैंने रात में बहुत कुछ समेट लिया था, बस थोड़े बहुत ही बच्चे हैं, जैसे ये सारे इधर रूम हॉल के मैंने सब कुछ ही ठीक कर दिया था जो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। बट जो है मैं भी आपको दिखाऊँगी एंड बने रहिए। ये देखो, आप देख सकते हो ये मैंने कुछ भी साफ नहीं किया है, मैं सबसे पहले चाय पीऊंगी उसके बाद ही कुछ करूंगी। तो ये आप देख सकते हो, इधर से तो मैंने सारा कुछ समेट लिया था तो इधर उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये देखो, ये मुझे क्या मिला, दिवाली और भी कुछ मिला है, फ्रिज भी पूरा भरा हुआ है, ये देख सकते हो सब मिठाइयां और क्या क्या, ये भी मुझे मिला है दिवाली में। तो ये आप देख सकते हो फ्रिज की हालत। लेकिन एक चीज यहाँ पे सही है फ्रिज के लिए कि अभी ठंड है और ठंड में मतलब हम बाहर सब कुछ रख देते हैं तो काम चल जाता है, नहीं तो फ्रिज में कहाँ इतना सारा सामान आने वाला है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। बस मेरी चाय बन चुकी है, अभी मैं पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। जी, ये भी मिला है गिफ्ट में, दिवाली गिफ्ट। हाँ जी, तो मेरी चाय हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ सब मेस। तो ये आप देख सकते हो, ये बेचारे का क्या हाल हो गया है। यहाँ पे हमारे सारे डिस्पोजेबल बर्तन पड़े हैं फेंकने के लिए, ये देख सकते हो आप। कल कितना ही सुंदर लग रहा था, आज कैसे हो गया है। और इस रूम का तो ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ है, सब वैसे का वैसे पड़ा है थोड़ा बहुत। और अब आते हैं हॉल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने सारा रात में ही समेट लिया था, फिर भी अभी बहुत कुछ ऐसे ही पड़ा है जिसको। और यहाँ के जो टेबल क्लॉथ थे वो सारे हमने हटा दिए थे बच्चों के कारण। और यहाँ पे मिस्टर कुमार अपना काम करने में लग गए हैं सुबह सुबह इसी मेस के साथ, ये अभी थोड़ा देर रहेगा, मैं साफ़ करूँगी उसके बाद फिर ठीक होगा। और इस सॉस के बॉटल्स पड़े हैं नीचे, वो ग्लास एक उधर पड़े हैं। तो मतलब जो सामने सामने मुझे दिखा था वो मैंने साफ़ कर दिया था। ये आप देखो, ये पूरा गंदा हो रखा है, इस पर पूरा वैक्यूम चलाना पड़ेगा मुझे। ये सब साफ करने हैं। अब चलती हूँ मैं बालकनी में, टन टन। तो मतलब यहाँ पे ठंड में ये फ़ायदा है कि फ्रिज की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारे कुछ ये आप देख सकते हो, इतनी सारी चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हमें ख़त्म करनी है खा के। तो वही मैं जैसा बता रही थी, ठंड में आप हम मतलब
मोस्ट ऑफ द चीज़ें बाहर रख देते हैं, फ्रिज को अवॉइड करते हैं ठंड में। ये आप देख सकते हो, जूसेस हैं, कोक्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हम बाहर ही रख देते हैं। मतलब ठंड में हम ऐसे ही बाहर की चीज़ें ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्रिज की चीज़ें कम यूज़ करते हैं। और ये देखो, आज सुबह से बारिश हो रही है, पूरा रात रात वाला फील दे रहा है। मतलब अभी 10:30 हो रहा है, कोई बोल सकता है 10:30 हो रहा है, पूरा ही अंधेरा हो रखा है और बारिश भी हो रही है। और ये देखो, ये है पतझड़ के इफेक्ट, सारे अभी पीले हो चुके हैं, कुछ कुछ रेड भी हो चुके हैं। और उधर भी देख सकते हो आप, रेड येलो ग्रीन, मतलब इतना कॉम्बिनेशन होता है ना इधर पेड़ों का, मत ही पूछो। और इस ठंड में भी देखो, हमारे प्लांट्स अभी बचे हुए हैं, प्लांट्स नहीं, ये फ्लावर्स जो हैं वो बेचारे बचे हुए हैं। और हम पूजा में भी, हमारे जो दुर्गा पूजा था उसमें और जो भी लक्ष्मी पूजा, सब में हमें फूल खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, इन्हीं लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। ये तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही, मुझे यही दिखाना था कि घर कितना गंदा है। वैसे घर उतना गंदा था नहीं, मैंने रात में बहुत कुछ समेट लिया था, करने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था, बट एकदम वैसे छोड़ के ना सोने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत कुछ समेट लिया था, बहुत कम ही चीज़ें बची हुई थी। तो आपको दिखा ही होगा, बस किचन ज़्यादा मेस लग रहा है, क्योंकि किचन में मैंने सारे बस बर्तन हटा दिए थे, बाकी सारा वैसे ही पड़ा हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं ठीक किया था। तो आई होप आप रिलेट कर पाओ कि आफ्टर पार्टी भी बहुत काम होते हैं, और दिवाली में तो खैर दिवाली के पहले घर साफ साफ करना, और वो भी आफ्टर, मतलब मैं तो फीवर वीवर के बाद इतना सारा काम वाम करके तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट ठीक है। और तो बस अब इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और आज है हमारे यहाँ ना 3 दिवाली होता है, एक छोटी दिवाली, एक दिवाली, और एक होती है पूरा दिवाली, दिवाली जब बूढ़े हो जाते हैं, तो आज है पूरा दिवाली। और इंडिया में तो आज ग्रैंड भी है। तो बस अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, रिलेटेबल लगा होगा, तो आप कमेंट करना, लाइक करना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी वीडियोस को, जो आप बिल्कुल नहीं करते हो, ना देखते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, कुछ भी नहीं करते आप लोग, बट ठीक है, मत करो। तो बस हैप्पी बूढ़ा दिवाली। मिलते हैं इसी तरह से किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।